वेलकम बैक वंस अगेन नाजरीन, आप देख रहे हैं रमजान मेहरबान और आज जो मेरे गेस्ट हैं डॉक्टर मुजाहिद कामरान वीसी पंजाब यूनिवर्सिटी और अनुश्री असद हैं, शी इज़ मॉडल, ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुकी हैं, कॉलमिनिस्ट भी हैं और लिखती हैं और फैशन इंडस्ट्री से बेसिकली इनका ताल्लुक है। सर, हम एथिक्स पे बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले, अब के स्टूडेंट्स कैसे आपको दिखाई देते हैं यूनिवर्सिटी में, कुछ चेंज आ रहा है? देखिए, स्टूडेंट्स में एक तो जहाँ तक सलाहियत का ताल्लुक है वो मौजूद है अपनी जगह, अलबत्ता और अच्छे स्टूडेंट्स हमेशा मैंने देखा है, हर क्लास में हमें मिल जाते हैं। बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि थोड़ा सा अब चूँकि मीडिया का एक्सपोजर ज़्यादा है, फैशन और इस किस्म की चीज़ों पे तवज्जो है, लेकिन उसके साथ साथ जो जिस नफासत की मैं बात करता हूँ उसकी कमी महसूस होती है, ठीक है, और वो तरबियत से ठीक हो जाती है, ठीक है, लेकिन उसके लिए साथ कभी नफीस होना ज़रूरी है। बेशक बेशक। और ये ज़रूरी नहीं कि आपके साथ नफीस हों। देखें, इस मुल्क में जब आप पेशों की बात करते हैं तो लोग जिन पेशों को सबसे ऊपर रखते हैं वो या सिविल सर्विसेज हैं या फौज है, और आजकल जो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन जिन जिन इदारों में आपको ले जाता है, बैंकिंग हो जाए या प्राइवेट कॉरपोरेशन हो जाए, लेकिन उस्ताद तो बनने को कोई तैयार नहीं होता। उस्ताद तो बनने को कुछ, जब मैंने ये तय किया था कि मैंने इंजीनियरिंग नहीं करनी और सिविल सर्विस का इम्तहान नहीं देना, तो मुझे याद है मेरी खाला ने मुझे ख़त लिखा था कि ये तुम क्या कर रहे हो, जब मैंने FSC के बाद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में नहीं गया था तब भी लिखा उन्होंने, MSc के बाद जब मैंने कहा कि मैंने मुकाबले का इम्तहान नहीं देना तब भी उन्होंने ख़त लिखा कि ये तुम क्या कर रहे हो। लेकिन मेरे जहन में जो चीज़ें थी, जिस तरह ये पैशन की बात करती हैं, जो मैं करना चाहता था मैंने वही करना था और मैंने वही किया करा। ठीक है ठीक है। अच्छा, नफासत की बात हो तो अनुष्या, आपने भी बताया कि माशाल्लाह आपकी एक डॉटर है। I have a son. All right. अच्छा, 16 months? 16 months. अच्छा, कैसे फिट रखती हैं आप अपने आप? एक तो I've been lucky कि मैंने अपने वालिद साहब की जीन्स इनहेरिट की हैं। ठीक है। वो सारी जो मेरे वालिद साहब की फैमिली है वो लीन है और टॉल है। ठीक है। वालदा की ऐसी फैमिली नहीं है, वो जरा दे हैव टू ट्राई हार्ड। बाकी बहन भाई भी आपकी तरह? हाँ, आई हैव अनदर ब्रदर, बस हम दो ही हैं बहन भाई। अच्छा। और वो भी ऐसे ही रहा, लीन है, स्ट्रेट है। ठीक है, तो फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मॉडल के लिए, और अक्सर मॉडल बार बार मॉडल बहुत ज्यादा कह रही है, इतनी मैं मॉडल नहीं हूँ। अच्छा, मुझे कुछ होस्ट ज्यादा हूँ। अच्छा, बहुत ज्यादा हो गई है। हाँ, मॉडलिंग ऐसी रही है कि यू नो, इफ अ गुड प्रोजेक्ट हैज कम बाय और वो मुझे सूट किया है, अपील किया है, तो मैंने किया है, और रैंप में मैं सिर्फ फैशन वीक कर रही हूँ। ठीक है, तो बेसिकली यू आर होस्ट। सो या, सो आई एम अ लॉट ऑफ थिंग्स बट हाँ, तो कैसा लगता है? आप टीवी पे आती हैं, बात करती हैं और थोड़ी सी इंट्रोवर्ट सी लगती हैं, कम गो लगती हैं, कैसा लगता है फेस करना कैमरा को? ओ, आई लव फेसिंग द कैमरा, मुझे तो बिल्कुल लगता है जिस तरह मेरे लिए ही बना है कैमरा। और जो फर्स्ट शो था वो कैसा था? फर्स्ट शो बहुत मज़े का था। फर्स्ट शो मुझे याद है इसलिए क्योंकि मैं बहुत बीमार थी, जनवरी था और शादियों का एक इंसेन सीज़न गुजरा था, उसमें ऑब्वियसली हम शिफॉन्स और स्लीवलेसेस पहनते हैं, यू नो, अंदर जा रहे हैं बाहर हो रहे हैं, कैनोपी गर्म है, बाहर ठंड है, शॉल पतली सी ली हुई है, सो आई वॉज वेरी इल, 102 टाइप बुखार था, एंटीबायोटिक्स में थी, खांसी, जुकाम, आवाज़ बैठी हुई, उसमें मैंने शो किया, सो वो शो मुझे बहुत क्लियरली याद है, बट इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। ठीक है सर, कुछ अपने बचपन के बारे में बताइए, आप गुजरात में पैदा हुए? मैं पैदा गुजरात में हुआ था, असल में मेरे जो ननिहाल और ददियाल है वो गुजरात से हैं। ठीक है। मेरे वालिद सहाफ़ी थे और मेरी पैदाइश पिंडी में, पाकिस्तान टाइम्स एक बड़ा मारूफ अखबार था उस ज़माने का, जी जी, उसमें वो रिपोर्टर थे, तो मेरी जो तालीम है स्कूल की और कॉलेज की वो रावलपिंडी में हुई है। ठीक। रावलपिंडी में माल रोड पे एक स्कूल है, सर सैयद स्कूल, मैं वहाँ पढ़ा हूँ 10 साल, और 4 साल मैं पिंडी गॉर्डन कॉलेज में पढ़ा हूँ। उस ज़माने में ये मिशनरी कॉलेज था और ये इसका बड़ा ज़बरदस्त माहौल था उस वक्त, और अयूब खान का ज़माना था, 1969 में मैंने BSc किया है, तो उस दौर में कॉलेजों में ये जो गैर निसाबी सरगर्मियाँ, एक्स्ट्रा करिकुलर या को करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत हुआ करती थी। फिर 1969 में पंजाब यूनिवर्सिटी में आ गया, 71 में मैंने मास्टर्स की, 72 में जब रिज़ल्ट आया तो मुझे यहीं पे लेक्चर की नौकरी मिली। कैसे बचपन में कैसे थे? खामोश तबा थे, शरारती थे, अपना बचपन थोड़ा सा? मैं लापरवाह था। अच्छा।
मेरे वालिद, मैं चूँकि सबसे बड़ा था 6 बहन भाइयों में, तो मेरे वालिद ये चाहते थे कि मैं या साइंसदान बन जाऊँ या मैं फ़ौज में चला जाऊँ, क्योंकि उनके नज़दीक दो ही चीज़ें अहम थी दुनिया में, नॉलेज एंड पावर, इल्म और अस्करियत। तो लेकिन मेरे नतीजे अच्छे आते थे, मैं क्लास में आमतौर पर अव्वल आ जाता था, लेकिन मैं इतना पढ़ता नहीं था, खेल कूद में मैं हिस्सा लेता था। हॉकी आपकी पसंदीदा खेल? हॉकी बिल्कुल था। और मैं अब आपको बताऊं कि अगर मेरे में थोड़ा एम्बिशन होता, हॉकी प्लेयर बन जाता, थोड़ी सी तरबियत होती, तो मैं कौमी टीम तक आ सकता था, लेकिन उस वक्त इतना शौर ही नहीं था। जिस तरह मैंने कहा, हर चीज़ में ज़हानत दरकार होती है, हम में इतनी ज़हानत ही नहीं थी कि हम जो दीगर चीज़ें खेलने के साथ साथ हैं, स्टेमिना बनाना है मिसाल के तौर पर। और आज अगर आप हॉकी की तरफ आ जाते तो पता लगता है ओलंपियन मुजाहिद कामरान साहब हो भी सकता था। हो भी सकता था, हमारे कॉलेज में मुदस्सर थे, बड़े ज़बरदस्त प्लेयर थे वो, लेकिन वो जहीन थे ज़्यादा, वो प्रैक्टिस के बाद ग्राउंड के चक्कर लगाते थे, फिर वो आर्मी में चले गए, और जब आप आर्मी में आ जाते हैं तो फिर नेशनल कैंप में भी आप आ जाते हैं, और वो और भी मैं समझता हूँ कि उनमें जहानत और एम्बिशन दोनों की सतह बहुत हमसे बेहतर थी। ठीक। अनुषा, आपका बचपन? मेरा बचपना बहुत, जिसको आप कहते हैं ना, एक खूबसूरत सी यादें जो आपके साथ हमेशा होती हैं, हालांकि अभी मैं कोई करोड़ साल की नहीं हूँ अभी बचपन है, बचपन से तो गुजरी है ना। ये कि जो वो ग्रोइंग अप प्रोसेस था सारा, वो बहुत अच्छा रहा है, बिकॉज माई पेरेंट्स हैव ऑलवेज बिन मोर ऑफ फ्रेंड्स एंड लेस ऑफ पेरेंट्स। मतलब उनका एक रोब अपनी जगह पे हमेशा रहा है, एक उनकी जो जगह है वो रही है, मगर उसमें उन्होंने मेरे और मेरे भाई के साथ एक बहुत दोस्ती का एलिमेंट रखा है। उसके अलावा आप टॉकेटिव थी, टॉकेटिव थी, किस तरह की थी आप? टॉकेटिव, हाँ आई गेस मैं थी बहुत, पढ़ाई में हमेशा से मैं अच्छी थी, बहुत ज़्यादा पढ़ती नहीं थी मगर ग्रेड्स अच्छे आते थे। एंड जो होती हैं वो एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स जो कि ज़रा पॉपुलर गर्ल्स होती हैं स्कूल में, वो हम थे ज़रा नाक हवा में, और जिस तरह होता है लड़कियों का ना, ज़रा अपने आप को। क्या चीज़ आपके बारे में पॉपुलर थी? क्या चीज़ पॉपुलर थी आपके बारे में? आई डोंट नो, आई थिंक देयर इज जस्ट सम गर्ल्स इन स्कूल एंड कॉलेज हु अदर पीपल लुक अप टू ना। तो जिस तरह वो मैं ग्रामर स्कूल से पढ़ी हुई हूँ, तो मिस ग्रामेरियन वोट हो गया भी पूरे स्कूल से, तो बहुत ही बड़ी बात हो गई कि बचपन में ऐसी छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं ना, तो इस टाइप का। यानी कि बड़ी आपकी बड़ी एक अपनी आइडेंटिटी थी स्कूल में भी, और आप डिफरेंट थी आप, यानी शुरू से ही आप बहुत सिलेक्टिव थी। ठीक है, ठीक है। आप जी सर, एक मैं बात कह दूँ, ये मेरा बचपन जो है वो 50s और 60s का है, और उस ज़माने में आबादी बहुत कम थी, यानी सड़कें खाली हुआ करती थी, गाड़ियाँ बहुत कम लोगों के पास थी। मैं रावलपिंडी एक छोटा सा शहर था, और मुझे ये याद है कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक आप घूमते फिरते पहुँच सकते थे, या साइकिल लेके चले जाते थे। वो वक्त तो ये मैं आपका कथा कलामी माफ, वाकया बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं ज़रूर सुनना चाहूँगी, लेकिन मुझे कॉल आ गई ब्रेक की। नाज़रीन, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, और मैगी की रेसिपी ज़रूर देखिएगा। मैगी, नए दौर मज़े भी और। चीज नूडल्स, सालसा, चस्का सैलेड, अच्छा मैगी नूडल्स 2 पैकेट, बेबी स्वीट कॉर्न 4 अदद, नमक 1 चुटकी, टमाटर कटे हुए 2 अदद, प्याज कटे हुए 2 अदद, सब्ज शिमला मिर्च 2 अदद, काली मिर्च पिसी हुई 1 चुटकी, जीरा आधा टीस्पून। तरकीब, नूडल्स को 1 मिनट के लिए उबालें और उनको ठंडे पानी से नथार लें। सब अज्जाए तरकीबी को नूडल्स के साथ अच्छी तरह से मिक्स करें। मज़ेदार सैलेड तैयार है। मैगी। ماشي ما بنودعك بدون